टेम्परेचर रेस्टिंग होगी। और डाया कौन सा क्लैंप होगा? हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है cncbasic.com पर। दोस्तों आज प्रोग्रामिंग की बात नहीं होगी, आज बात होने वाली है सेटिंग की। इस कंपोनेंट की होल्डिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस चीज़ को। अभी ये हमने फर्स्ट सेटअप बनाया है तो इसमें जो कंपोनेंट की जो होल्डिंग है जॉज में काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि जॉज के पास पकड़ने के लिए काफ़ी जगह है। ये दिख रहा होगा, थोड़ा नज़दीक लेके आइए, दिखा दीजिए थोड़ा सा। तो अभी स्ट्रांग पकड़ है, ये हमारा फर्स्ट सेटअप है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेटअप था। अब सेकंड सेटअप में इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि इसकी होल्डिंग कैसे करी जाए, क्योंकि जो होल्डिंग है इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर आपका ये 20 mm है, और जो इसका स्पेस है, जो डिस्टेंस है, वो 5 mm के अप्रोक्स है। तो 5 mm में तो होल्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। नज़दीक ला के दिखाइए एक बार। ये जो इसका गैप है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना है आपका, 5 mm के अप्रोक्स है। तो अगर आपने इस डाया को पकड़ा और इस पर रेस्ट किया तो होल्डिंग मजबूत नहीं हो पाएगी। समझ रहे मेरी बात को? तो हमने क्या प्लानिंग किया है, हमने प्लानिंग किया है कि हमारी जो रेस्टिंग होगी, रेस्टिंग हम किस जगह पर लेने वाले हैं तौफीक जी? रेस्टिंग हम सर इसके फेस पर लेने वाले हैं। हम रेस्टिंग नज़दीक लेके आओ। हम रेस्टिंग इस फेस पे नहीं करेंगे। हम रेस्टिंग किस फेस पे करने वाले हैं? इस फेस पे रेस्टिंग होगी। और डाया कौन सा क्लैंप होगा? फर्स्ट वाला। सही है, तो स्ट्रेंथ हमारी अच्छी बन जाएगी। आइए जॉज पे दिखाते हैं एक बार। अब जो है ये जॉज में हमने कट लगाया है, ठीक है ना। अब ये जॉज में कट लगाया है तो ये देखिए, जो ये इसकी जो लंबाई है कंपोनेंट की, जो ये वर्कपीस की थी लंबाई, ये 5 थी, लेकिन ये जो डिस्टेंस है हमने ये 10 mm के आसपास किया हुआ है, ठीक है। क्यों किया हुआ है? क्योंकि जो ये वाला फेस है, ये फेस जो है, ये फेस इससे नहीं टकराना चाहिए, इस सामने वाले से। ये हवा में रहेगा, यहाँ पे क्लियरेंस होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वाले डाया पे क्लैंपिंग करेंगे कंपोनेंट को, और इस फेस पे रेस्टिंग करेंगे। तो क्या होगा कि हमारी होल्डिंग को सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। ये 5 mm है और ये फेसिंग आपका। इमरजेंसी ऑन कीजिए, कोई मशीन ऑन करो, कंट्रोल ऑन दबाओ। तो अब देखिए, अब देखा दिखाते हैं कि क्या इसमें खूबी है। ये देखिए, अब ये देखिए कंपोनेंट पूरा पकड़ में आया, लेकिन ये जो जगह है, ये जगह आपका अभी हवा में है, समझ रहे हैं। तो यही चीज हमें चाहिए था, इसकी सपोर्टिंग और इसकी पकड़। ये देखिए गैप है, यहां पे गैप देख पा रहे हैं आप। तो पूछो, चलो क्या 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 सवाल है आपके? एक मिनट पूछिए, क्या सवाल है सर? मैं पूछना चाहता हूँ कि जो रेस्टिंग आपने इस पे करी है पीछे वहाँ पे लगा करके, तो जो 5 mm की जगह 10 mm का गैप आपने रखा है, अगर 5 mm ही गैप रहता तो आगे से और पीछे से दोनों से रेस्टिंग हमको मिलती, पीछे साइड से इस पे और इस पे दोनों पे रेस्टिंग मिलती, तो उसकी पकड़ तो और मजबूत हो सकती थी। बहुत बढ़िया, इनका इतना अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने इनका सवाल क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि आपने जो गैप ज़्यादा दिया है तो ये फेस जो है पीछे चले जाइए, कोई नहीं। अब ये वाला जो है, इन्होंने कहा है कि 5 mm का गैप था तो 5 mm की दूरी रखते तो क्या फ़ायदा होता, कि यहाँ पे तो सपोर्ट मिलता, यहाँ पे भी सपोर्ट मिलता, ठीक है ना। आपका सोचना सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल आपकी गलत, यहाँ पे जो सोच है यहाँ पे गलत हो जाती है। रीज़न इसके पीछे बहुत बड़ा ये है, क्योंकि ये मेटल है, ये रबड़ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। ये किसी एक ही पॉइंट को रिफरेंस मानेगी, एक टाइम पे या तो ये इस पे जाके रुकेगी या इस पे रुकेगी, ये संभव ही नहीं है कि ये इसको भी छू जाए, इसको भी छू जाए। मेटल है ये, रबड़ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि दबा दोगे तो इसको भी दबा देगा, इसको भी दबा देगी। मेटल है, कोई भी एक रिफरेंस पॉइंट बन सकता है, यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए, दोनों नहीं बन पाएगा। गॉट इट? जी सर। तो बेटर आपको समझ में आ रहा है कि यहां से अच्छा क्या था कि इसको यहां पे किया जाए। यस सर। और बताइए तौफीक जी, आपका कोई सवाल?
अब इसमें एक सवाल को ये भी बोल सकता है, सर आईडी से पकड़ लीजिए इसे आप, आईडी का जॉज नहीं बना सकते, आईडी का जॉज नहीं बना सकते, इसकी जो डायमीटर है 20 mm है, बोर साइज जो है इसका 14 mm है, 14 mm बहुत छोटा होता है, इमेजिन करके देख लीजिए आप, नहीं हो होता हो बिलीव तो वर्नियर कैलिपर लेके देख लीजिए, 14 mm, 14 mm जो है वो मेरा जो मार्कर है जो मैं व्हाइट बोर्ड पे यूज करता हूँ वो भी आपका मेरे ख्याल से 18 से 20 mm होगा। तो आईडी का जॉज बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत डेलिकेट हो जाएगा, टूट जाएगा पकड़ने से पहले ही। तो जो हमने यहाँ पे बनाया है, जिस तरीके के जॉज बनाए हैं ना, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके सर जी। सर दोस्तों इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पे इसकी पूरी फुल डिटेल वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और बहुत ही जल्द इसका जो है हम अपने स्टूडेंट के साथ जो है प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।